गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विनोद पंकज मिश्रा एंड यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो डियर फ्रेंड, इस समय मैं आपको कंजक्शन बता रहा हूँ। कंजक्शन की सीरीज चल रही है। कल मैंने आपको इन माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव एक्सप्लेन यू दैट कंजक्शन जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जो इनके द्वारा जोड़ करके दो वाक्यों को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। तो किस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं, यदि इनको हम कोऑर्डिनेटर से जोड़ते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं, और यदि सब ऑर्डिनेटर्स से जोड़ते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। कोऑर्डिनेटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल कोऑर्डिनेटर, जिसके अंतर्गत एंड बट और नॉर आते हैं, और दूसरे होते हैं कोरिलेटिव कोऑर्डिनेटर, जिसके अंतर्गत आइदर और नाइदर नॉर बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो आते हैं। सबऑर्डिनेट दो भी तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल होते हैं, कंपाउंड होते हैं और कोरिलेटिव होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बताया कि कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं वो केवल कोऑर्डिनेटर से जोड़ करके बनते हैं। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ सिंपल कोऑर्डिनेटर एंड बट और नॉर का डिटेल में, किस प्रकार से इनसे सेंटेंस कंबाइन करते हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। देखते हैं सबसे पहले एंड का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, तो इसका हम पहले डिटेल में स्टडी करें। उसके पहले मैं आपको ये दो सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्लर्क रोट द एड्रेस ऑन द एनवेलप एंड पोस्टेड देम। ये जो है ये कौन सा सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। कैसे पता चला कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि इसको कोऑर्डिनेटर्स एंड के द्वारा जोड़ा गया है। किसके द्वारा जोड़ा गया है, एंड के द्वारा, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसको सबऑर्डिनेटर सबऑर्डिनेटर के द्वारा जोड़ा गया है, बिकॉज के द्वारा। तो देखिए, कंपाउंड सेंटेंस में दोनों जो क्लॉज होते हैं वो बराबर रैंक के होते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस को ये बराबर रैंक के नहीं होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में दोनों सेंटेंस बराबर रैंक के नहीं होते हैं। जैसे लिखा हुआ क्लर्क रोड द एड्रेस ऑन द एनवेलप एंड पोस्टेड देम, इसमें हम ये नहीं लिख सकते हैं कि पोस्टेड देम एंड क्लर्क रोड द एड्रेस ऑन एनवेलप, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये दोनों सेंटेंस बराबर रैंक के होते हैं। चाहे आप पहले इसको लिख दीजिए, चाहे बिकॉज ही वॉज हैप्पी कॉमा लगा करके ही आस्क्ड टू बी ट्रांसफर्ड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ही आस्क्ड टू बी ट्रांसफर्ड बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी। तो दोनों सेंटेंस में ये अंतर होता है कि कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटर से बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं वो सबऑर्डिनेटर से बनते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दोनों सेंटेंस बराबर रैंक के होते हैं, यानी किसी को पहले लिख सकते हैं यूज करके, और लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में बराबर रैंक के नहीं होते हैं, इसलिए उनको पहले दोनों को एक दूसरे के स्थान पे नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले किस प्रकार से। तो देखिए, सिंपल कोऑर्डिनेटर के अंतर्गत चार आते हैं। पहला होता है एंड, बट और, एंड बट और एंड नॉर। ठीक है, तो एंड का मतलब होता है और, बट का मतलब होता है लेकिन या किंतु, और का मतलब होता है अथवा, और नॉर का मतलब होता है ना ही, ना ही। तो जो एंड होता है, एंड का यूज दो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिसमें कोई आपस में सिमिलरिटी हो। ठीक है ना। बट का जो प्रयोग होता है तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनमें कोई कंट्राडिक्शन हो, विरोधी बात बताई गई हो, एक तरफ तो ऐसा हो लेकिन दूसरी तरफ ऐसा हो। जो थर्ड होता है और का प्रयोग जो होता है दो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं जिनमें कोई ऑप्शन या विकल्प बताया गया हो, या और का प्रयोग ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए भी होता है जिसमें एक घटना का प्रभाव दूसरी घटना में बताया जा रहा हो। और थर्ड होता है नॉर, नॉर के द्वारा दो निगेटिव सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं।
तो सबसे पहले देखिए, जैसे एंड लिखा हुआ है, एंड का प्रयोग दो एक जैसे घटना एक चीज को जोड़ने के लिए करते हैं। कभी कभी इसका जो प्रयोग होता है दो घटनाओं के क्रम को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, तो सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ एंड। यूज ऑफ एंड, तो एंड का प्रयोग दो ऐसी घटनाओं को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनमें कोई सिमिलरिटी हो, सिमिलरिटी हो या दो घटनाओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे सिमिलरिटी लिखा हुआ है, राम इज माय स्टूडेंट। और सेकंड में लिखा हुआ है मोहन इज माय स्टूडेंट। इसको यदि हम कंबाइन करते हैं एंड के द्वारा तो ये हो जाएगा राम एंड मोहन। मोहन, अब चूंकि यहाँ पे इज था, क्योंकि एक था जब दो लोग हैं तो आर हो जाएगा, राम एंड मोहन आर माय स्टूडेंट्स। इस प्रकार से यदि दो घटनाओं को जोड़ना है तो भी एंड का प्रयोग करते हैं। जैसे सी वॉश्ड द क्लास, सी आयरन्ड द क्लास, तो सी वॉश्ड एंड आयरन्ड द क्लास। इस प्रकार से यदि किसी एक घटना का परिणाम दूसरे घटना में बताना हो तो भी कभी कभी एंड का प्रयोग करते हैं। जैसे सी वर्कड हार्ड एंड गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, उसने कठिन मेहनत की और परीक्षा में अच्छे नंबर पाए। इस प्रकार से एंड के द्वारा हम सेंटेंस को जोड़ते हैं। दूसरा होता है यूज ऑफ बट। तो बट का यूज, बट का अर्थ होता है किंतु, परंतु। इसका जो प्रयोग होता है दो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं जिनमें कोई कंट्राडिक्शन होता है। कंट्राडिक्शन मतलब होता है विरोधाभास। जैसे सी वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की। और दूसरा लिखा हुआ है सी कुड नॉट गेट फर्स्ट पोजीशन। तो एक तरफ तो उसने मेहनत की, बहुत कठिन मेहनत की, दूसरा सी कुड नॉट गेट फर्स्ट पोजीशन, उसका फर्स्ट पोजीशन नहीं आ सका। तो इस प्रकार से वाक्यों को जोड़ने के लिए सी वर्कड हार्ड बट कुड नॉट गेट फर्स्ट पोजीशन। इस प्रकार से हमने जब दो कंट्राडिक्शन वाले वाक्यों को जोड़ना हो तो वहां पे हम बट का प्रयोग करते हैं। थर्ड जो है इसमें यूज ऑफ और है। यूज ऑफ और का मतलब होता है अथवा। इसका जब दो विकल्प दिए हो, दो ऑप्शन दिए हो, क्या दिए हो, ऑप्शन विकल्प। जैसे ऑप्शन मतलब विकल्प। जैसे यू कैन गो बाई बस, आप बस के द्वारा जा सकते हैं। यू कैन गो बाई ट्रेन। बस और ट्रेन के पहले बाई का यूज करते हैं, मैंने आपको पहले बताया है। तो इसको हो जाएगा यू कैन गो बाई बस और ट्रेन। आप बस के द्वारा जा सकते हैं अथवा ट्रेन के द्वारा। कभी कभी रिजल्ट बताने के लिए भी होता है। एक घटना में कोई कार्य किया, उसका असर दूसरे पर हुआ, तब भी हम और का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है वर्क हार्ड और यू विल फेल। तो इसका मतलब हुआ कि कठिन परिश्रम करो, अन्यथा, और का मतलब होता है अन्यथा यू विल फेल। और के स्थान पे अदरवाइज का भी यूज किया, अदरवाइज के अर्थ में भी और का प्रयोग होता है। जैसे वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। इसी प्रकार नॉर जो होता है, नॉर के जैसे ही इज नॉट
he is not good player or he is not good person. ये दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, तो जो नॉर से हम जोड़ने के लिए करते हैं, नॉर का जो करते हैं वो दो नेगेटिव सेंटेंस को कंबाइन के लिए करते हैं, और जब नेगेटिव सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो दूसरे सेंटेंस का नॉट हट जाता है, इसका जब हम कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा ही इज नॉट गुड पर्सन नॉर He is not good person nor good player. Nor good player. या ऐसा भी लिख सकते हैं या ये भी कर सकते हैं कि he is, पूरा लिख दीजिए, he is not good player nor good person. तो इन दिस वे आप एंड के द्वारा, बट के द्वारा, और के द्वारा और नॉर के द्वारा भी दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, और इन दो सेंटेंस को कंबाइन करने के बाद जो सेंटेंस बनेंगे वो कंपाउंड सेंटेंस बनेंगे। इनका यूज जनरली जो सिंपल कोऑर्डिनेटर होते हैं इनका जनरली यूज फिल इन द ब्लैंक के रूप में आता है। बहुत सारे सेंटेंस लिखे होते हैं और ऑप्शन दिए रहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट सिंपल कोऑर्डिनेटर, तो आप एंड बट और नॉर का प्रयोग इस प्रकार से अपने यूज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। शेयर करने से तात्पर्य मेरा ये है कि जो छोटे छोटे गांव में भी बच्चे रह रहे हैं और वो भी इस प्रकार का इंग्लिश का यूज सीख सकें, मेरे जीवन का यही उद्देश्य है। क्योंकि इफ़ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली, इसी को आधार मान करके मैं इस प्रकार का ये अभियान चलाया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 बच्चों को मुझे अंग्रेजी सिखाना है विद इन 3 मंथ्स, और इसके लिए मैं आपका सहयोग चाहता हूँ। प्लीज़, यदि चैनल के लिए आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और लोगों को जरूर इसके बारे में बताइए ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी सीख सकें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।